नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास कई लोग कहते हैं कि हम हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, भूख भी लगती है, तो भी हमारा वजन जल्दी जल्दी गिर रहा है। या कई लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। कई फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती है, मेंसेस टाइम पे नहीं आता, या बहुत तकलीफ के साथ आता है, या बहुत लंबे लंबे समय के बाद आता है। या कई लोग ये कहते हैं कि बॉडी में बहुत थकान है, मसल स्टिफ हो गई है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या बालों की समस्या भी बहुत आम हो गई है। इस समय सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि थायराइड चेक करवा लो। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण, थोड़ा सा इम्बेलेंस होने के कारण हमारे शरीर में इतनी समस्याएं क्यों आ जाती है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइक T3 T4 क्या होता है, TSH क्या होता है, हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरायडिज्म क्या होता है, हमको क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी हार्मोनल ग्लैंड है। यह हमारे गले में सामने की तरफ बटरफ्लाई या तितली के आकार की होती है। इस ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। T3 और T4 हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, बॉडी वेट को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में एक और हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, TSH। ये हमारे शरीर की ब्रेन की एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वहां प्रोड्यूस होता है ये, और इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मींस ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। यदि किसी के थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बिगड़ रहा है, इसका मतलब उसके T3 T4 TSH हार्मोन का रेशियो भी बिगड़ रहा है। इसे सबसे पहले लैब इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि हाइपोथायरायडिज्म है कि हाइपरथायरायडिज्म। इसमें सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ब्लड की जांच करना। इसमें हम ब्लड के सैंपल में हार्मोन के लेवल की जांच करते हैं। यदि पेशेंट के ब्लड में TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है, मतलब पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म है। इसमें पेशेंट की थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अंडर एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, उसका फंक्शन कम हो जाता है और T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, और इनके लेवल को बढ़ाने के लिए TSH को अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है। इसलिए रिपोर्ट आती है TSH बढ़ा हुआ आएगा और T3 T4 कम आएगा। और हाइपरथायरायडिज्म में जस्ट अपोजिट होगा, इसमें TSH का लेवल कम होगा और T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी फंक्शन बिगड़ जाती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है, उसके कारण T3 T4 बढ़ जाते हैं, तो TSH को अपना फंक्शन कम करना पड़ता है, अपना रिलीज कम करना पड़ता है, जिससे कि वो इस पर कंट्रोल कर सके। अब हम यहाँ पर हाइपो एंड हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम को समझते हैं। दोस्तों, दोनों ही केसेस में पेशेंट को टायर्डनेस बहुत ज्यादा फील होती है, पेशेंट बहुत थका थका फील करता है। नंबर टू, यदि पेशेंट हाइपो है तो वो सेंसिटिव टू कोल्ड रहेगा, और यदि हाइपर है तो वो सेंसिटिव टू हीट रहेगा। हाइपो के केस में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, हाइपर में डायरिया मिलेगा। हाइपो में पेशेंट की स्किन बहुत ड्राई रहेगी और हाइपर में उसकी स्किन मॉइस्ट रहेगी, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग की शिकायत रहेगी। हाइपो में वेट गेन होता है और पेशेंट का फेस बहुत पफी दिखाई देता है, बल्कि हाइपर में पेशेंट का वेट कम होता है, उसकी ग्लैंड कभी कभी एनलार्ज भी दिख सकती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। हाइपो में पेशेंट की वॉइस में हॉसनेस मिलेगी, मीन्स बहुत भारी आवाज मिलेगी, और हाइपर में पेशेंट के आईज बल्जिंग मिल सकती है। दोनों में ही मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, नर्वस वीकनेस मिलेगी। यदि मेंटल्स की बात करूं तो थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी हो सकती है। हाइपो में पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है और हाइपर में या तो इरेगुलर होगा या बढ़ जाएगा। फीमेल में यदि मेंसेस की बात करूं तो हाइपो में पेशेंट का जो मेंसेस होता है वो लेट आने लगता है, लेकिन हाइपर में इरेगुलर हो जाता है।
दोनों में ही हेयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, हेयर लॉस होने लगता है और ड्राई हेयर हो जाते हैं। अब हम यदि इसके कारणों पर चर्चा करें तो हाइपो में पेशेंट का TSH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा। और मेनली ये कंडीशन कब बनती है, जब पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, जैसे कि हॉशमोटो डिजीज वगैरह, इसमें पेशेंट को ये कंप्लेंट आ जाती है। लेकिन हाइपर में जो ऑटोइम्यून डिजीज होगी वो ग्रेव्स डिजीज होगी। हाइपो में थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है, या तो किसी सर्जरी में थायराइड ग्लैंड का कोई पार्ट निकाल दिया गया है या पूरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है, या कैंसर या दूसरी कंडीशन में यदि रेडियोथेरेपी दी गई है उससे भी थायराइड का फंक्शन, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और हाइपर में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, किसी इन्फ्लेमेशन के चलते या कोई इन्फेक्शन के चलते थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो सकती है। अब हम यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। दोस्तों नंबर वन कंडीशन ये है कि प्रेग्नेंट विमेन में ये कंप्लेन बहुत कॉमन होती है। पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के आसपास थायराइड ग्लैंड में इम्बेलेंस होता है, उसके कारण पेशेंट को ये कंप्लेंट आ जाती है। नंबर टू, किसी किसी के फैमिली हिस्ट्री में रन करता है तो उसको भी इस कारण से भी ये तकलीफ हो सकती है। नंबर तीन, किसी क्रोनिक डिजीज के चलते भी लोगों को ये कंप्लेंट देखी गई है। और नंबर चार, सर्टेन मेडिकेशन के चलते भी ये कंडीशन बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हाइपोथायरायज्म में और हाइपर दोनों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और हाइपोथायरायज्म में इसमें क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और हाइपर में एक अलग तकलीफ ये भी देखी गई है कि पेशेंट की जो होती है आई में कंप्लेन आने लगती है, पेशेंट को विजन में भी प्रॉब्लम आएगी और उसकी आई बल्ज करने लगती है। हाइपरथायरॉइडिज्म में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो हार्मोन ओवुलेशन में भी इंटरफेयर करने लगता है। और बेबी पे भी यदि मान लीजिए कोई मदर है और उसको थायराइड है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है और बेबी डिलीवर होता है तो वो बेबी भी डिफेक्ट के साथ या थायराइड इम्बेलेंस के साथ पैदा हो सकता है। हाइपोथायरायज्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखी गई है, जब पेशेंट थायराइड का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं लेता है तो उसके हाथ पैर में टिंगलिंग आने लगती है, झुनझुनी आने लगती है और उसको सुन्नपन महसूस होने लगता है और नर्वस वीकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हाइपरथायरायज्म में पेशेंट की बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के कारण पेशेंट का कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन कम हो जाता है, इसलिए प्रॉपर कैल्शियम मिल नहीं पाता बोन्स को और वो वीक हो जाती है। दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन आती है थायराइड नम। यह मेडिसिन हम दोनों कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरथायरायज्म में भी दे सकते हैं और हाइपो में भी दे सकते हैं। एक्चुअली इसकी जो पोटेंसी और डोजेस है वो तय होता है पेशेंट की सीवियरिटी और क्रोनिक केस के हिसाब से। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन होती है नेट्राम्यूलेटिकम। यह मेडिसिन कॉमन सॉल्ट से बनी हुई होती है, इसलिए ये भी थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों जब पेशेंट बहुत वीक हो, इनिशिएटेड हो, उसकी बहुत नेक जो हो वो डेबिलेटेड हो, थिन हो, लेकिन कभी कभी उसको ग्वाटर के कारण उसकी नेक चौड़ी भी दिख सकती है, उसको ग्वाटर की समस्या हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पेशेंट को सनलाइट में तकलीफ हो रही है, उसकी स्किन बहुत ड्राई है, उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट भी हो सकता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है कैल्किरेका। यह मेडिसिन दोनों ही कंडीशन पे अच्छा काम करती है, जब पेशेंट बहुत फेयर फैटी फ्लेबी होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, तो यह मेडिसिन दी जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इस मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसको ग्रेट डेबिलिटी होती है, उसको बहुत पसीने आते हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है और उसको हाइपरथायरायज्म के पूरे सिम्टम यदि मिल रहे हैं तो आयोडम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है थूजा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को रैपिड इनिशिएशन की प्रॉब्लम होती है, उसको ग्रेट डेबिलिटी होती है, उसको डैम्प वेदर में सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं पर ड्राई वेदर में उसको अच्छा लगता है, और यदि इस तरह के सिम्टम मैच करते हैं तो तब हम थूजा को दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप हाइपोथायरायज्म और हाइपरथायरायज्म की कंपेरेटिव स्टडी को समझ पाए हैं, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में, इसकी जांच के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जान पाए हैं और आपको ये इफेक्टिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।